हूँ तारा, मैं हूँ कबीर, लाइफ का फंडा टेक इट इजी, कभी है मस्ती कभी है पोर, लाइफ कभी आउट ऑफ कंट्रोल, टेंशन वेंशन क्यों लेनी, लाइफ का फंडा टेक इट इजी, 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 लाइफ का फंडा टेक इट इजी। टेक इट इजी में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार के सहयोग से नालंदावे और यूनिसेफ लेकर आए हैं आपसे जुड़ी रोज एक नई कहानी, आपकी फेवरेट तारा और कबीर की जुबानी। कितना अच्छा लग रहा है आज तुमसे फोन पर बात करके समा। सच कहा कुसुम, वो भी दिन थे जब स्टाफ रूम की गप्पों के बिना दिन पूरा नहीं होता था, और अब जब से लॉकडाउन हुआ है और स्कूल जाना बंद हुआ है, एक दूसरे से बातें करना ही दोबर हो चला है। मिस करती हूँ स्कूल जाना, रोज तैयार होना, लंच पैक करना, और तुम्हारे हाथ की बिरयानी का स्वाद तो अब भी जुबा पर है, सोच कर ही मुंह में पानी आ गया। देखो बिरयानी बनाए तो मुझे भी सदियां हो गई है, अब घर में बैठे बैठे सिर्फ हम चार जनों के लिए बनाने में वो मजा नहीं जो हम टीचरों के साथ बांट करके आता था। कभी सोचा नहीं था कि दिनों दिन हो जाएंगे और एक दूसरे की खबर भी ना होगी। वो सोनू सर के क्या हाल हैं? मैंने सुना था उनके सभी घर वालों को कोविड-19 हो गया था। सोनू सर तो ठीक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी माँ इस वायरस से हार गई और चल बसी। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम्हें किसने बताया? अरे व्हाट्सएप ग्रुप में सबने उन्हें खेद जताया था, तुमने देखा नहीं? किस ग्रुप की बात कर रही हो? ओ शायद तुम अभी तक इसमें एडेड नहीं हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्कूल के टीचर्स के लिए है, हम में से ही किसी ने बनाया है, अब जब मिलने जुलने के कोई साधन नहीं तो यही सही। ओ ये तो सही है, मुझे भी इस ग्रुप में ऐड करवा दो समा। बिल्कुल आज ही टेक्स्ट कर देती हूँ। पर कुसुम तुम्हें सबसे जुड़े रहने के नए तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक वगैरह। हाँ ऐसे तुम सबसे जुड़ी रह सकती हो, नई चीजें सीख सकती हो, और तो और मुश्किल घड़ी में मदद मांगने पर भी सब आगे आ जाते हैं। सोनू सर ने उन दिनों ऑक्सीजन सप्लाई वालों के नंबर भी यहीं से मांगे थे, एक पोस्ट डालने से ही उनकी कितनी मदद हुई। सही कह रही हो समा, अब स्कूल ऑनलाइन हो चला तो कैसे भी इन चीजों को सीखा, अब अपने मित्रों से मिलने के लिए भी कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। हाँ कुसुम, बातचीत करना दिल और दिमाग दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो हम अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे। समझ गई, अब देखो अगली बार मुझे फोन नहीं करना। अरे वो क्यों भला? क्योंकि अब तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें फोन करूंगी। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप लंबे समय से लॉकडाउन के कारण से नहीं मिले हैं, ये एक दोस्त, सह शिक्षक, एक प्रिय हो सकते हैं। अब बैठिए और उन्हें एक पत्र लिखिए, जो कुछ भी आपका दिल कहे, उन्हें अपने जीवन के बारे में बताएं। एक हाथ से लिखा गया पत्र किसी व्हाट्सएप टेक्स्ट की तुलना में अधिक विशेष और निजी हो सकता है, इसे हम रोज की आदत में भी ला सकते हैं, खासकर जब आप लंबे समय के बाद किसी से कुछ कह रहे हों। ये पत्र उन्हें पोस्ट करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। टेक इट इजी के इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए याद रखें, लाइफ का फंडा टेक इट इजी।